हेलो फ्रेंड्स, वेलकम मेरे बच्चों टू ब्यूटी फैशन। मैं हूं नीलम। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूं 6 साल की बच्ची के लिए ये तिरंगा ड्रेस। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें जो एक एक मीटर के जो 3 रंग के फैब्रिक हैं वो लिए हैं। 1 मीटर केसरिया, 1 मीटर हरा, 1 मीटर सफ़ेद मैंने लिया है। वैसे मेरे पास सफ़ेद ज़्यादा था तो मैंने उसमें से 1 मीटर लिया है। इसे मैंने पूरा 1 मीटर लिया है। तो सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरह ट्रायंगल की शेप में फोल्ड कर लेना है, पहले डबल फोल्ड और फिर बाद में इसे ट्रायंगल बना लेना है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें एक तो स्कर्ट की लेंथ चाहिए और एक कमर का मेजरमेंट हमें चाहिए। यहाँ पर जो कमर है वो 24 इंच है, तो उसका चौथा हिस्सा हमें यहाँ पर लेना है। तो हमें यहाँ पर 6 इंच लेना है। मार्जिन इसमें खुद ही ऐड हो जाता है या फिर आप 1 इंच का मार्जिन इसमें ऐसे रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस गोलाई को 6 इंच लिया है और जो फर्स्ट लेयर है हमारी 10 इंच की मैंने ली है और पूरी स्कर्ट हमारी 25 इंच तैयार होगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमें 10 इंच पर ऐसे निशान लगा कर इसे नीचे से गोल कर देना है और हमारी फर्स्ट लेयर की कटिंग हमें कर लेनी है। फ्रेंड्स, इसमें 3 लेयर बनेगी। 2 लेयर 8-8 इंच की मैं लूँगी और इसमें ये फर्स्ट लेयर है जो मैंने 10 इंच की ली है। 2 इंच की हमारी जो इसमें बेल्ट है वो अटैच हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमें कट कर लेना है। और अगर आप इससे ज़्यादा बड़ी बना रहे हैं तो इसमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए, उसके अपनी बच्चे की एज के या हाइट के अकॉर्डिंग आपको इसमें ले लेना है। तो फ्रेंड्स, 10-10 इंच के मार्कर कर हमें इसकी कटिंग कर देनी है। इस तरह हमारी इससे नीचे सफ़ेद लेयर है वो आएगी और सबसे नीचे हमारी ग्रीन लेयर आएगी। तो इसे हम इसके घेरे को हमें माप लेना है और इससे जो ज़्यादा लेयर है हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये जो कपड़ा है इसमें से हमें 3 लेयर कट करनी है। तो मैंने यहाँ पर 8 इंच लंबाई लेकर इस तरह अपने कपड़े को काट लेना है। ये जो कपड़ा है इसका पन्ना काफ़ी कम है, तो इस तरह मैंने पहले इसकी 2 लेयर कट की और इस कटिंग कर लेनी है। और अब हम इसे उसके साथ रख कर मेजर करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो मैं हाथ के साथ प्लेट्स इसमें डालूंगी, इस तरह हमें इसको मेजर करके देख लेना है। तो फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा जो प्लेट्स हैं वो नहीं आएंगे, तो इसलिए मैंने इसमें एक और लेयर कट कर ली सफ़ेद कपड़े की और इसमें जॉइंट लगा कर इसमें जो प्लेट्स हैं छोटे छोटे हमें डाल देने हैं। फ्रेंड्स, आप इसमें जो सिलाई लगा कर जो गैदर बनाए जाते हैं वो भी आप बना सकते हैं, पर मैंने इसमें छोटे छोटे प्लेट्स डाले हैं। तो इस तरह मैंने यहाँ पर कपड़े सफ़ेद कपड़े को 3 बार कट किया है और 8-8 इंच लंबा लिया है। इसमें ऐसे जॉइंट लगा कर इसका जो जॉइंट है इसमें ऐड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हमें ग्रीन कपड़े को कट करना है। इसकी लेंथ भी हमें 8 इंच ही लेनी है। 8 इंच लेकर हमें इसे कट कर लेना है। मैं इसे लंबाई की तरफ से कट करूँगी क्योंकि ये जो लेयर है हमारी इसका हमें सबसे ज़्यादा घेरा चाहिए। तो इस तरह हमें कपड़े को ऐसे लंबाई में 8 इंच फोल्ड करके इस तरह इसका घेर हमें ज़्यादा चाहिए। तो मैं इसकी 4 लेयर कट करूँगी 8 इंच करके। पहले मैंने इसे डबल कट कर लिया है, तो 2 लेयर हमारी ये हो जाती हैं और 2 लेयर हमें दोबारा से फिर से हमें कट कर लेनी है। इसका घेरा हमें सबसे ज़्यादा चाहिए। तो फ्रेंड्स, देखिए 2 लेयर मैंने कट कर ली थी, 2 लेयर मैं अब कट कर रही हूँ। और जो कपड़ा बच जाता है उसमें से हम दुपट्टा बनाएंगे और ऊपर की चोली हमें वाइट कलर की रखनी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमारी 4 लेयर कट गई हैं। इसमें भी मैं हाथ के साथ ही छोटे छोटे प्लेट्स हैं जो डालने वाली हूँ। आप गैदर भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कुछ आपको पूछना हो तो मुझे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने अपनी जो 4 लेयर हैं वो कट कर ली हैं। इसे भी हम जो वाइट कलर का कपड़ा है उसके साथ रख कर देख लेंगे कि हमारी प्लेट्स जो है वो ज़्यादा बननी चाहिए उससे। तो फ्रेंड्स, इस तरह हम इसको रख कर मेजर करेंगे। सबसे पहले हमारा जो ऑरेंज कपड़ा है वो आएगा, उसके बाद हमारा वाइट कपड़ा, उसको रख लेना है। और इसके नीचे हमारा जो ग्रीन है उसमें ऐसे हमें प्लेट्स डाल देनी है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है इसमें से हम जो दुपट्टा है तिरंगा वो बनाएंगे, तिरंगा दुपट्टा बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी लेंथ मैंने पूरी रख ली है और चौड़ाई में मैंने इसे 4-4 इंच लिया है। 4-4 इंच के ही हमें जो तीनों कपड़े हैं वो लेने हैं चौड़ाई में। और इसकी लंबाई 1 मीटर है, 40 इंच हमें इसकी लंबाई रखनी है। आप इससे अधिक भी रख सकते हैं अगर आपका बच्चा इससे बड़ा है। अगर
आपको इसकी लंबाई ज़्यादा रखनी है तो आप इसमें लंबाई में भी जॉइंट लगा सकते हैं। तो ये जो वाइट कपड़ा है इसकी लेंथ कम थी तो मैं इसमें यहाँ पर इसमें जॉइंट लगा दूँगी और इस तरह हमारा दुपट्टा जो है वो रेडी हो जाएगा। इसमें तीनों पर सिलाई लगा लेनी है और दबाने वाली सिलाई भी हमें लगानी है। उसके बाद हमें उसे चारों तरफ से फोल्ड कर देना है। अब मैं जो इस ड्रेस का अपर पार्ट है जो चोली है वो बनाने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने चोली की लेंथ है जो 10 इंच ली है। फ्रेंड्स अगर आपकी जो बच्ची है जो उसकी लंबाई ज़्यादा है तो आप इसे 12 इंच भी कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसे रख सकते हैं। मैंने इसकी लेंथ 10 इंच ली है और अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। फ्रेंड्स इसमें मैं नीचे जो है ऑरेंज कलर की पट्टी लगाऊंगी और गले पर ऑरेंज कलर की पट्टी लगाऊंगी और नीचे ग्रीन कलर की और बीच में ये वाइट रह जाएगा तो ये भी एक तिरंगा जो चोली है वो बन जाएगी। इस तरह मैंने यहाँ पर 6 इंच का 5.5 इंच का तीरा लिया है और 5.5 इंच ही आर्म होल लिया है और यहाँ पर फिटिंग का चौथा हिस्सा आपको ले लेना है अपने अकॉर्डिंग और ये जो पूरा कपड़ा है इसमें आ जाता है। आर्म होल की हमें गोलाई कर देनी है। तो फ्रेंड्स अब इसकी हमें कटिंग कर देनी है। फ्रेंड्स ऐसी और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ कॉमेंट्स में मुझसे आप पूछ सकते हैं। इस तरह हमें आर्म होल की कटिंग कर देनी है और उसके बाद हम मैं इसकी स्लीव्स है जो हाफ रख रही हूँ। अब हमें नेक की कटिंग करनी है। मैंने 2 इंच इसकी चौड़ाई ली है और 3 इंच लंबाई। मैंने दोनों नेक है जो एक ही लेंथ और चौड़ाई एक बराबर रखी है। तो इस तरह हमें एक बॉक्स बनाकर इसकी गोलाई कर देनी है और इसकी कटिंग कर देनी है। मैंने इस पर पट्टी लगानी है ऑरेंज कलर की। तो इस तरह हमें अपने गले की कटिंग कर देनी है। तो इस तरह हमारी चोली कट गई है। फ्रेंड्स अब हमें अपने स्लीव्स की कटिंग करनी है। मैंने जो स्लीव्स है इसकी हाफ रखी हैं, आप फुल भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 6-6 इंच की जो स्लीव्स है वो ली हैं। ये पूरी ही तैयार होंगी क्योंकि इसमें भी मैं आगे 2 कलर की पट्टी लगाऊंगी, ऑरेंज और ग्रीन कलर की। तो इस तरह आप अपने अकॉर्डिंग इसके आर्महोल की कटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी कटिंग हो चुकी है। इसके बाद इसे हमें चोली में अटैच कर देना है।